ऐसा नहीं है जैसे उसमें मेरे संपर्क सूत्र नहीं है, वो अगर मुझे ऐसा मान देंगे तो इसको मैं रिजाइन करने के बाद उसके ऊपर पूरी तरह सोचूंगा भी और मेरे कार्यकर्ता भी उसके लिए। बीजेपी के पुराने वफादार और हरिनगर सीट से कद्दावर उम्मीदवार हरशरण सिंह बल्ली कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। बल्ली की नाराजगी बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने के बाद ही आ गई थी। उनकी नाराजगी की वजह है टिकट बंटवारे में उनकी अनदेखी। कोई संपर्क नहीं, आपको कॉन्फिडेंस में भी लेने की कोई? तो मुझे कहा गया था, मैं गया था, घटगिरी ने बुलाया था, तो उसमें मुझे ये कहा गया था, घटगिरी जी ने कहा था कि मैं मर्द का बच्चा हूँ, हर हालत में बल्ली जी आपको टिकट दी जाएगी। लंबे समय से हरिनगर सीट बल्ली का चुनाव क्षेत्र रहा है, लेकिन इस बार अकाली दल के दबाव में यह सीट बीजेपी ने कुर्बान कर दी और अकाली दल को दे दी। इस सीट पर बीजेपी 1977 के बाद से लगातार जीत हासिल करती आई थी। हरिनगर सीट कुर्बान करने के साथ ही बीजेपी की परेशानी भी बढ़नी शुरू हो गई है। अकाली के खाते में सीट जाने के बाद ही बल्ली ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि पार्टी से उनका मोह भंग हो चुका है। बल्ली ने बीजेपी की उस दलील को भी खारिज कर दिया है जिसमें बीजेपी ने अपने बेटे के लिए टिकट मांगने की बात कही थी। कल मेरे पास जरूर गटकरी जी ने संदेशा भेजा था, टेलीफोन पे मेरे से ही बात की कि आप 5 बजे आइए, मिलके बैठेंगे, चाय पियेंगे। मैंने कहा जी बहुत चाय पी है, अब मैं आना नहीं चाहता, बात नहीं। फिर उन्होंने शाम को 5 बजे सुभाष आ गया और सुभाष सचदेवा और वो अपना नाम भारत मदान सिंहों को भेजा था मेरे पास, वो लोग आए थे। मैंने उनको मना कर दिया, मैं कहा जी पहले ये अनाउंस करो कि ये सीट हमने अकाली दल से वापस ले ली है, बीजेपी के पास है, ये फ्री सीट है, उसके बाद मेरा मिलने का वायदा। अगर सीट आप मेरी अकाली दल को देकर मेरे से क्या बात करोगे, वहां जाऊंगा तो गटकरी जी एक लड़का पुत्र पकड़ा देंगे मेरे हाथ में बातों बातों में। मैं कहा जी पुत्र तो मेरे पास भी 3 है, उस चौथे को मैं क्या करूंगा। दिल्ली चुनाव सिर पर है, ऐसे में बल्ली के कांग्रेस का दामन थामने की बात बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। वहीं बल्ली के इस बगावत ने कांग्रेसियों को खुश होने का मौका दे दिया है, क्योंकि कांग्रेस में बल्ली का शामिल होना केवल हरिनगर सीट के लिए ही नहीं बल्कि दिल्ली के सिख वोट बैंक पर भी असर डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज़।